हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं रियलमी वॉच एस प्रो और अमेज़फिट GTS 2 मिनी के फीचर्स के बीच में। इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के फीचर्स को आज हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में से हमारे लिए कौन सी स्मार्ट वॉच बेस्ट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास कोई भी रिव्यू यूनिट नहीं आती और जो चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी रिव्यू यूनिट की जरूरत पड़ेगी। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो वीडियो शुरू करने से पहले शेट ठोक दीजिए, महाकाल का तबाह कर लाएगा, शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहां पे नहीं खड़ा हूं, पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस की डिस्प्ले के बारे में। Realme Watch S Pro में आप लोगों को 1.3 इंच की फुल टच एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी और इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 454x454 के पिक्सल्स मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों इस स्मार्ट वॉच की ब्राइटनेस की बात की जाए तो इस स्मार्ट वॉच की जो ब्राइटनेस है वो 450 निट्स तक की आप लोगों को मिल जाएगी। अगर दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात की जाए तो ये स्मार्ट वॉच ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सपोर्ट करेगी, लेकिन ये स्मार्ट वॉच OTA अपडेट के बाद ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सपोर्ट करने वाली है। यानी कि अगर आप इसको अभी परचेज करोगे तो अभी आप लोगों को इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर नहीं मिलेगा। अगर वॉच फेसेस की बात की जाए तो इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 100+ वॉच फेसेस मिलने वाले हैं। अगर Amazfit GTS 2 मिनी की डिस्प्ले की हम बात करें तो इस स्मार्ट वॉच का जो डिस्प्ले साइज़ होगा वो Realme वॉच से ज़्यादा होगा, क्योंकि इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 1.55 इंचेस की फुल टच एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। अगर दोस्तों पिक्सल्स की बात की जाए तो इस स्मार्ट वॉच में जो आप लोगों को पिक्सल्स मिलेंगे वो 354x301 के मिलने वाले हैं। और दोस्तों इस स्मार्ट वॉच की जो ब्राइटनेस होगी वो Realme स्मार्ट वॉच जितनी होगी, यानी कि इस स्मार्ट वॉच में भी आप लोगों को 450 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलने वाली है। अगर दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात की जाए तो ये स्मार्ट वॉच ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सपोर्ट करेगी, यानी कि इसमें अपडेट का कोई चक्कर नहीं है। अगर आप इसको अभी परचेज करते हो तो इसमें आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगी। अगर वॉच फेसेस की बात की जाए तो इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 50+ वॉच फेसेस मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिरकार डिस्प्ले के हिसाब से कौन सी स्मार्ट वॉच सबसे बेस्ट है। सो दोस्तों देखिए, अगर आपको एक बड़ी डिस्प्ले साइज़ वाली स्मार्ट वॉच चाहिए तो आप जा सकते हो Amazfit GTS 2 मिनी के साथ में। वहीं अगर आपको एक ऐसी डिस्प्ले चाहिए जिसमें आप लोगों को जो कलर्स हों वो काफ़ी डार्क मिले तो आप जा सकते हो Realme Watch S Pro के साथ में, क्योंकि Realme Watch S Pro में आप लोगों को जो पिक्सल्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू Amazfit GTS 2 मिनी। सो दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को जो पिक्सल्स मिलते हैं इसके कारण आप लोगों को इस स्मार्ट वॉच में जो कलर्स मिलेंगे वो काफ़ी डार्क देखने को मिलने वाले। सो अगर आपको डार्क कलर्स चाहिए तो आप Amazfit GTS 2 मिनी के साथ ना जाकर Realme Watch S Pro के साथ में जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, डिस्प्ले के बाद अब बात करते हैं बैटरी की। Realme Watch S Pro में आप लोगों को 420mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि अगर आप इस स्मार्ट वॉच को टिपिकल स्मार्ट वॉच मोड पर चलाते हो तो इसकी बैटरी 14 दिन का बैटरी बैकअप आप लोगों को देने वाली है। वहीं Amazfit GTS 2 मिनी में आप लोगों को 220mAh की बैटरी मिलेगी, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि अगर आप इस स्मार्ट वॉच को टिपिकल स्मार्ट वॉच मोड पर चलाते हो तो इसकी बैटरी चलेगी 7 दिन तक। वहीं अगर आप इस स्मार्ट वॉच को बेसिक मोड पर चलाते हो, यानी कि सिर्फ इसमें टाइम देखते हो, तो इसकी बैटरी चलने वाली है 21 दिनों तक। सो दोस्तों, यहाँ पर बैटरी के मामले में आगे निकल जाती है Realme Watch S Pro Amazfit GTS 2 मिनी से। अगर दोस्तों बैटरी के बाद बात की जाए कनेक्टिविटी की, तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को जो कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी वो बिल्कुल सेम मिलेगी। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिलेगा और दोनों ही स्मार्ट वॉचेस कनेक्ट हो जाएगी एंड्रॉयड और iOS दोनों ही डिवाइसेस से। वहीं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को GPS और ग्लोनास का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है, यानी कि GPS प्लस ग्लोनास का सपोर्ट आप लोगों को दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में मिलेगा। अगर दोस्तों स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो Realme Watch S Pro में आप लोगों को स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहीं आप इस स्मार्ट वॉच से कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो, कॉल्स को पिक नहीं कर सकते, कॉल्स को रिजेक्ट कर सकते हो। वहीं दोस्तों इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को मल्टीपल लैंग्वेजेस भी मिलने वाली है, यानी कि ये स्मार्ट वॉच हिंदी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेगी।
वहीं अगर Amazfit GTS 2 mini की बात की जाए तो इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, कॉल्स रिजेक्ट, इस स्मार्ट वॉच में भी आप लोग कॉल्स को पिक नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ आप लोगों को इस स्मार्ट वॉच में वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलने वाला है। सो दोस्तों, वॉइस असिस्टेंट होने के कारण रियलमी वॉच एस प्रो से आगे निकल जाती है Amazfit GTS 2 mini स्मार्ट फीचर्स के मामले में। अगर दोस्तों वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेज़ में जो वाटर रेजिस्टेंस मिलेगा वो बिल्कुल सेम है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेज़ में आप लोगों को 5 ATM तक का वाटर रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यानी कि आप इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेज़ को 50 मीटर तक पानी के अंदर ले जा सकते हो। अगर दोस्तों स्पोर्ट्स मोड की बात की जाए तो रियलमी वॉच एस प्रो में आप लोगों को 15 स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे, तो वहीं Amazfit GTS 2 mini में आप लोगों को 70 स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे। स्पोर्ट्स मोड के बाद अगर बात की जाए हेल्थ ट्रैकर्स की, तो रियलमी वॉच एस प्रो में आप लोगों को ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, हर्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, स्टेप काउंट और कैलोरीज बर्न जैसे ट्रैकर्स मिलने वाले हैं। तो वहीं Amazfit GTS 2 mini में आप लोगों को ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, हर्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर, ब्रेथ मोड, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकर, स्टेप काउंट और कैलोरीज बर्न जैसे ट्रैकर्स मिलेंगे। सो दोस्तों, यहां पर हेल्थ ट्रैकर्स के मामले में Amazfit GTS 2 mini आगे निकल जाती है रियलमी वॉच एस प्रो से। सो दोस्तों, बात आती है कि आखिरकार इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में से हमें कौन सी स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए। सो दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में से आप लोग Amazfit GTS 2 mini के साथ जाना, क्योंकि Amazfit GTS 2 mini में बस दो चीज़ें कम है रियलमी स्मार्ट वॉच से, एक तो है पिक्सल्स और दूसरा है बैटरी बैकअप। अदरवाइज सारी चीज़ें जो है Amazfit GTS 2 mini में वो एक्स्ट्रा है रियलमी वॉच एस प्रो से। दोस्तों, इन दो चीज़ों के होने के कारण रियलमी स्मार्ट वॉच का अगर मैं आपको प्राइस बता दूं तो आप कहोगे क्या बात है, रियलमी स्मार्ट वॉच का जो प्राइस है वो है 9,999 रुपये, तो वहीं Amazfit GTS 2 mini का जो प्राइस है वो है 6,999 रुपये। सो दोस्तों, यहां पर इन दोनों में से आप लोगों को लेनी चाहिए Amazfit GTS 2 mini। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।